मैं भी गाने गाने मिल जाऊंगी, कोरोना स्टॉप करो ना। वेलकम टू द न्यू ब्लॉग गाइस। और बर्तन धुल गए, झाड़ू पूजा हो गया, पतियों से काम कराया कि नहीं कराया? हमारे पति पीछे वीडियो ले रहे थे, उसके पहले उन्होंने रो पीट करके बहुत बार बोलने पर बर्तन धोए हैं और चद्दर ठीक की है, डस्टिंग की है, क्या करे, क्या हालत होती है। आप भी कुछ काम करो, कहीं हो गई झाड़ू लगा। काम देखो हमने बांटा हुआ है, ये हार्ड कोर्स जो होते हैं झाड़ू पोछा, बर्तनों में भी बड़े जो बर्तन होते हैं वो मैं साफ करूंगी, बाकी जैसे बच्चों को संभालना नानी है ये हमारी नहीं, मालिश करना, नहलाना, और अगर मतलब फीडिंग की रिक्वायरमेंट ना हो तो सुला भी देना, ये सब नानी का काम है। और बर्तन में आसान बर्तन जो प्लेट्स चम्मच ग्लास वगैरह, ये सब नानी का काम है। नानी ओ नंगू बच्चे, हमारे नंगू बच्चे को हटाओ, नंगू बच्चे को दूर करो। के नहा धो के खा पी करके अब हम सोने आए हैं, सोना तो भी मतलब खाना पीना तो आजकल ऐसा लग रहा है जैसे बहुत मेहनत करके इंसान ने, और जैसे मजदूरों वी कैन फील हाउ मजदूर फील्स कि मेहनत करके वो रोजी रोटी दे दो मालिक, ऐसी वाली हालत हो गई है सच में। इनकी हालत सेम, ये देखिए कहाँ से एनर्जी आती। चलो मम्मा को शिला दो, मम्मा को शिला दो प्लीज, शिला गुड्डू, ऐसी शिलाती मम्मा आपको, ऐसी शिलाती मम्मा, प्लीज शिला दो, प्लीज शिला दो, शिला दो। और सच्चाइयाँ दिखाते हुए लोगों को, जैसे मैंने बोला था कि अंशु मतलब छोटे बर्तन नहीं करते, बड़े बड़े बर्तन मुझे करने पड़ते हैं साफ, और वैसे भी मैं कैटरीना से कम नहीं हूँ, ठीक है? तुम तो बिल्कुल कम नहीं हो कैटरीना से, कैटरीना से ज्यादा ही हो। अरे साइज में जरा नाटक मत करो, समझे? और ये तो कुकर में मारने में ज्यादा क्या है, यहाँ से अंदर से ऐसे साफ करने का और अंदर से ऐसे साफ करने का कर ही नहीं सकते हो, पूरा काम आता छोड़ देते हो, बस बच्चे की नैनी बनना आता है अंशु को अच्छे से, बच्चे की नैनी, मैं इसको पकड़ लेता हूँ, मतलब उसको खेलना भी होगा नीचे तो भी बोलते हैं मैं इसको पकड़ लेता हूँ, क्यों जिसकी कुछ काम ना बताना पड़े। मैं भी कार्तिक आर्यन बन जाऊंगी, कोरोना स्टॉप करो ना, बंद कर दो काम करते रहो, और ऊपर से ये यहाँ पे खड़ी खड़ी ना हटो जरा, ये यहाँ पे खड़ी खड़ी ऑर्डर देते हुए गले में पल्ला और बोलो है पिले बोलो, हाँ ऑर्डर देती रहती है तुम अलग, बाय। अब ऐसे करो उसको गोदी में ले रहे हो आप, टाटा तो बेटा खत्म ही हो गई, टाटा टाटा क्या होता है, खत्म ही हो गया ये वर्ड जीवन से अभी, लक्ष्मण रेखा पार नहीं करना अभी, उसका मन बहलाने के लिए ड्राइंग रूम से जब बाथरूम जाते हैं तो बोल के जाते हैं टाटा, इतना ही है बस, टाटा टाटा नमस्ते करो व्यूअर्स को, नमस्ते करो। बॉम्बे के घरों में ना वर्क फ्रॉम होम बोल रही हूँ, ये क्वारंटीन बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो सकता है कि देखिए ये हमारे दो जो कमरे का घर है इसमें ये एंटरटेनमेंट हो रहा है, ये दिस इज द एंटरटेनमेंट वी आर हैविंग, कि वो जो घर होते ना बड़े बड़े यूपी के दिल्ली के, ऐसे लॉन आगे थोड़ा सा और चार पांच कमरे का घर और बंगला उसमें सही रहता है, एक कोई पड़ा हो एक जगह कोई पड़ा हो यहाँ पर तो हो। पूरी कालो। बच्चों की सुरक्षा के साथ साथ घर में जो बच्चे बंधे हुए हैं उसमें बहुत उनको प्रॉब्लम भी हो रही है, हमारे यहाँ तो छोटे तो उसके कोई ऐसी मतलब उसके भी पता चल रहा है अब, ऐसे आजकल सुबह उठ करके नीचे जाने का होता था तो वो एक आदत बन गई थी उसकी पिछले 1.5 महीने से, तो अभी वो सुबह थोड़ा सा चिड़चिड़ाती हुई दिखती है कि
तो और जो बड़े बच्चे हैं उनको तो और ज़्यादा हो रहा है, जिनको एक्चुअली छुट्टी मिली है स्कूल से, तो वो उनको वो उसका खुशी वो लोग सेलिब्रेट नहीं कर पा रहे हैं, तो काफ़ी मुश्किल हो जाता है, काफ़ी बच्चे भी एंग्शियस हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। तो आई होप सारी मदर्स उनका ख्याल रख रही हूँ अच्छे से, और बच्चे ही नहीं जो कपल्स हैं, बड़े लोग भी हैं, वो भी आपस में रह करके परेशान हो जाते हैं पूरे टाइम। तो पीस एंड हारमोनी बना के रखिए, यही आपको पार लगाएगा। आई जस्ट होप ये जो लॉकडाउन एक्सटेंड ना हो, ये सक्सेसफुल हो जाए एक ही बार में। सो बस 20 दिन की बात है, 19-20 दिन की। बच्चों के एंटरटेनमेंट पार्ट 2। सिखानी देखो, मैं कैसे सिखानी खेल रही है, मैं एयरपोर्ट से देखो। ओह तो ये सारी चीजों के बाद आज हम बनाएंगे आपके लिए खास पेशकश है, पेशकश ऑन पब्लिक डिमांड्स। मैंने थोड़े दिन पहले मैक्रोनी बनाई थी, बेक्ड मैक्रोनी, तो इंस्टाग्राम पे फोटो डाली थी, तो काफ़ी लोगों ने मुझसे पूछा था कि कैसे बनाए ये अनोखा काम, कैसे किया तुमने। तो वो सोच करके मैंने आज सोचा है कि आई मेक मैक्रोनी टुडे एज वेल। और मैक्रोनी नहीं है मेरे पास, आई हैड दिस पेन पास्ता, तो हम मैक्रोनी लेने के लिए कोई ग्रॉसरी स्टोर अभी नहीं जाने वाला। तो ये है अभी अवेलेबल, तो ये अभी उबल रहे हैं थोड़ी सी नमक के साथ। जब ये उबल जाएंगे तो इसमें थोड़ा सा हम ऑलिव ऑयल डाल करके इसको साइड में, ये हो रही है मैक्रोनी की तैयारी, बेक्ड पाइनएप्पल मैक्रोनी की तैयारी। और यहाँ पे हम भून रहे हैं टमाटर, ये एक अलग रेसिपी है, ये एक अलग डिश है, बहुत ही सिंपल डिश है। आजकल लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, घर के बहुत सारे काम होते हैं, तो ये एक सिंपल सी मतलब टमाटर का भरता बोलते हैं, जो अंशु की फेवरेट डिश है, तो ये भी मैं आपको बताऊंगी। तो आप ये दो दिन के लिए भी एक साथ बना सकते हैं, कि अगर सपोज़ आज बना लिया आपने तो कल रात तक भी आप इसको कंज्यूम कर सकते हैं, रोटी के साथ, भाकरी के साथ, पराठे के साथ, अगर आपके घर में ब्रेड हो तो ब्रेड के साथ, तो ये आपका काफ़ी टाइम बचाएगा। और आप जो ही इस किचन में हैं, यहाँ पर कोई भी डिश टेस्ट की कमी में नहीं होती, तो टेस्ट की तो फुल गारंटी है। तो ये भी भून रहा है, जैसे आप बैगन भूनते हैं वैसे इसको ऐसे भून लीजिए, भूनते रहिए। दो टमाटर का बना रही हूँ मैं, आप 2-3-4 कितने भी टमाटर का आप यूज कर सकते। पर ये हमारे 2 टमाटर भुन चुके हैं पूरी तरीके से, और इसके साथ हमको चाहिए मिर्ची, आपकी कैपेसिटी अनुसार आप कितना मिर्ची खा सकते हो उस हिसाब से, और गार्लिक। इन दोनों चीजों को ना हम पीस लेंगे, ये जो होता है ना ओ से ओखली, इसमें हम पीस लेंगे। इसमें ऑलरेडी थोड़ा सा अदरक है, क्योंकि जो मैंने अभी चाय के लिए यूज किया था, तो अदरक भी आप इसमें थोड़ा सा डालेंगे तो और भी अच्छा स्वाद। हमारी 2 चंटू बंटू, इनको हमें मैश करना है, मैश करके आप उसमें फिर आपने जो मिक्स किया है गार्लिक एंड चिलीज एंड ऑल वो आप डाल दीजिए। हमने इसमें गार्लिक और ग्रीन चिलीज का जो हमने उसको कूटा था वो हमने ऐड कर दिया है, थोड़ा सा नमक ऐड कर दिया है, और थोड़ा सा आप जो देख रहे हैं ये थोड़ा सा काला ब्राउन लग रहा है, ये इसमें थोड़ा सा स्मोकी इफेक्ट के लिए हमने जो टमाटर की स्किन जली हुई थी तो उसमें हमने इसे रहने दिया है, जैसा कि आप देख सकते हैं। और अगर पति से ज़्यादा झगड़ा हुआ हो तो आप इधर जो निकाली हुई स्किन है वो भी इसमें डाल सकते हैं। तो इसमें और थोड़ा सा हरा भरा करने के लिए इसमें हमने डाल दिया चॉप्ड कोरिएंडर।
ये है आपका विटामिन सी का शॉट जो आजकल बोला जा रहा है, इम्यूनिटी अच्छी करने के लिए विटामिन सी खाइए, ये खाइए वो खाइए। तो वैसे तो आपको बचपन से ही खाना चाहिए ये सब, अभी आप 10 दिन खा लोगे तो उससे कुछ नहीं, इम्यूनिटी आपकी ठीक हो जाएगी। बट विटामिन सी की एक डिश है ये, और बहुत टेस्टी लगती है पराठा पूरी भाकरी वगैरह सबके साथ, तो आप ज़रूर ट्राई कीजिए। बहुत ईजी है और 2 दिन तो चल सकती है। अब आप मतलब बहुत ज़्यादा ही दिन चलाना चाहते हैं और एक हफ्ता पुराना पिज्जा भी खा सकते हैं फ्रिज में रखा हो, तो आपकी मर्जी है। तो मैकरोनी के लिए आपको आपके पास ये चीज़ अवेलेबल होनी चाहिए, तभी आप ये रेसिपी में इंटरेस्ट उठाइए। तो उसके लिए चाहिए मैकरोनी या पास्ता जो भी आपके पास अवेलेबल हो, और पाइनएप्पल्स होने चाहिए। मैं पहले से ही 10 वाले पाइनएप्पल ले आई थी तो उसमें से थोड़े से बचे हुए हैं। मैदा होना चाहिए 2 बड़े चम्मच, और घी या बटर या ऑलिव ऑयल। ऑलिव ऑयल बहुत ही ओवररेटेड ऑयल है, अगर आपके घर में घी भी हो या बटर भी हो तो वो भी चलेगा, आप उसमें भी पूरी की पूरी डिश उसमें ही बना सकते हैं, ठीक है। और नमक, थोड़ी सी शुगर भी हम इसमें ऐड करेंगे, और थोड़ा सा मिल्क, अराउंड 200 ml मिल्क इसमें जाए। सबसे महत्वपूर्ण इंग्रेडिएंट जो है वो है चीज़। चीज़ के बिना जो ऊपर ग्रिलिंग होगी वो उसमें स्वाद ही नहीं आएगा, तो चीज़ होना बहुत ज़रूरी है। स्लाइस्ड चीज़ हो तो बहुत ज़्यादा अच्छा, अगर स्लाइस नहीं है तो आपके क्यूब्स हैं तो आप उसको भी ग्रेट करके ऊपर चला सकते हैं, वो मैं आपको आगे वीडियो में समझाऊँगी। प्लीज़ कहीं जाइएगा मत। मैं यूज़ कर रही हूँ ये वाला ऑलिव ऑयल, सोलिमो एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल, बहुत ही अच्छा है ये। आप कुक भी कर सकते हो और इससे आप गार्निशिंग भी कर सकते हो, आप सैलड में भी डाल सकते हो, ऐसे भी खा सकते हो। तो वेरी नाइस, वेरी गुड अरोमा, बहुत अच्छा अरोमा है। काफ़ी ऑलिव ऑयल्स में ऐसा अरोमा नहीं मिलता जब आप उसको सैलड्स वगैरह में आप यूज़ करते हो, तो ये मैं यूज़ कर रही हूँ। और पास्ता मैंने हैप्पी शेफ का यूज़ किया है, आई कॉन्ट फाइंड माई बॉक्स, मैंने लगता है डस्टबिन में कर दिया उसको। हैप्पी शेफ का पास्ता है, और वैसे मैकरोनी होनी चाहिए, हैप्पी शेफ की मैकरोनी आप यूज़ करिए। तो अब मैकरोनी के लिए हम लेंगे एक कढ़ाई, उसमें हम डालेंगे मैदा, थोड़ा सा भून लेंगे, और उसमें थोड़ा सा हम ऑलिव ऑयल डाल करके, सॉरी बटर डाल करके हम उसे लाइक 3-4 मिनट्स आप भून लीजिए अच्छे से, उसके बाद उसमें मिल्क ऐड करें। इसमें मैंने ऐड कर दिया है दूध, और 200 ml या 250 ml आपको थोड़ा सा ज़्यादा ही डालना पड़ेगा क्योंकि मैदे की वजह से ये थोड़ा सा थिक हो जाता है बाद में, और आप इसमें लम्स देख रहे होंगे अभी, थोड़े से लम्स हैं मैदे के, और ये वो तो वैसे तो कंटिन्यूस स्टरिंग से हो जाना चाहिए, अगर नहीं होता है तो आप इसको ब्लेंड कर सकते हैं, थोड़ा सा दूध जब ठंडा हो जाए ना उसको आप ब्लेंड कर लीजिए, नमक भी डाल दीजिए, और थोड़ी सी लाइक जितना आप नमक डाल रहे उससे आधी आप चीनी डाल। जब तक ये दूध हो रहा है तो मैं आपको बता दूँ कि ये नियो पाइनएप्पल स्लाइसेस मिलाई थी, बेटू एक मिनट तो न्यू पाइनएप्पल स्लाइस में लाइए, ये टिंड है, टिन पाइनएप्पल यूज़ करने से क्या होता है थोड़ी सी मिठास इसमें भी होती है तो अच्छा रहता है। आप नेचुरल पाइनएप्पल भी यूज़ कर सकते हैं, बट कभी कभी वो कड़वे होते हैं तो आपका पूरा पास्ता डिश बिगड़ सकता है। मैंने जो पास्ता उबल गया था वो ऐड कर दिया, और जो पाइनएप्पल्स हमने स्लाइस किए वो ऐड कर दिया, थोड़ा सा इसको इसी में ही रहने दीजिए, फिर हम डालेंगे उसको ओवन बोल में। मैंने इसमें थोड़ा काली मिर्ची भी ऐड किया है, थोड़ा सा टिंजी फ्लेवर देता है वो, तो अच्छा थोड़ा सा आप काली मिर्ची ऐड कर सकते हैं, नमक और थोड़ी सी चीनी। ये ओवन बोल में हमने पास्ता डाल दिया है और ऊपर से हमने चीज़ से ढक दिया है। इसमें अगर मैकरोनी मतलब ये मैकरोनी होती तो ज़्यादा अच्छा होता, एकदम मैकरोनी एकदम घुली मिली फिर वापस आती है ओवन से। तो ये पास्ता हमने यूज़ किया है और ऊपर चीज़ से हमने इसको पूरी तरीके से ढक दिया है, अब ये जाएगा ओवन में, ओवन में माइक्रोवेव ओवन में ये जाएगा कन्वेक्शन, ग्रिल एंड कन्वेक्शन पे ये फॉर अराउंड 5-6 मिनट्स। तो
ये हमारा यम 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 मैक्रोनी मतलब पास्ता विद पाइनएप्पल तैयार है।